हेलो फ्रेंड्स, आज तो हम अपना टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, वो एक्सटीरियर में डे लाइटिंग है। तो डे लाइटिंग हम लोग स्केचअप में यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, डे लाइटिंग के लिए एक पूरा मॉडल क्रिएट कर लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, मेरे सेटिंग्स करनी होगी, फिर लाइटिंग, टेक्सचरिंग, वो सारी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लासेस में देख रखी हैं। तो डे लाइटिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मॉडल को सेट करके व्यू में जाके, एनिमेशन में जाके ऐड सीन से सीन ऐड करा देना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या पड़ेगा, एक्सटेंशंस में जाएंगे, हम एक्सटीरियर की लाइटिंग कैसे होती है वो आपको इस क्लास में सिखाएंगे। तो एक्सटेंशंस में गए, वीरे में गए, एसेट एडिटर। एसेट एडिटर पे हम जब क्लिक करेंगे तो हमें सबसे पहले करना क्या होगा, रेंडर का सेटअप करना होगा। तो यहाँ से हमारी रेंडरिंग सेटिंग्स के लिए डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। फिर उसके बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं गाइस, सेटिंग्स पे जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे प्रोग्रेसिव होती है, इंटरेक्टिव होती है। इंटरेक्टिव मतलब लाइव रेंडरिंग के लिए होता है, प्रोग्रेसिव फाइनल रेंडर के लिए। तो गाइस हमको यहाँ पे प्रोग्रेसिव पे सेलेक्ट करना है, और क्वालिटी अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं, लो, मीडियम, हाई। अगर आपको बहुत बेस्ट क्वालिटी चाहिए तो आपको हाई प्लस पे लगाना पड़ेगा, लेकिन टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। अभी हम आपको क्लास में बता रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ से मीडियम सेट कर दिए हैं। फिर डिनोइजर गाइस हमेशा ऑन रखेंगे। इससे क्या बेनिफिट होता है कि कभी कभी नॉइस आने लगते हैं तो उसको रिमूव करने के लिए इसका यूज होगा। फिर रेंडर आउटपुट में जाएंगे, और यहाँ से रेजोल्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा उतना इमेज आपके क्लियर आएगी। अभी हम 3000, 4000 जो भी रेजोल्यूशन लेना चाहते हैं वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर आप एक्सटीरियर कर रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आपको 5 to 6000 रेजोल्यूशन पे कम से कम काम करना चाहिए, क्योंकि जिससे कि मोल्डिंग्स और वो सारी चीज़ें अच्छे से हाईलाइट कर जाती हैं, ठीक है? कम रखेंगे तो आपकी फिर जूम करने पे चीज़ें दिखाई देंगी, मोल्डिंग वोल्डिंग नहीं दिखाई देगी। तो इसीलिए आप करेंगे क्या गाइस, रेजोल्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे, लेकिन वो डिपेंड करेगा आपकी सिस्टम पे। अगर आपने रेजोल्यूशन 1000 रखा, नॉर्मल निकल गया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने 5000 रखा और रेंडर नहीं निकल रहा है, सिस्टम बार बार बंद हो रहा है, तो इसका मतलब आपका सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, उसको 4000 करके देखेंगे, या नहीं तो 3000। तो इस तरह से क्या करेंगे, रेजोल्यूशन को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, ऐड बटन। ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, नॉइस लिमिट होगी, तो इसमें 0.02 है, तो इसको 0.002 सेट कर दिया, जिससे कि आपकी जो नॉइस है और अच्छे से हाईलाइट हो जाए। फिर कलर मैपिंग में जाएंगे, एंटी अलाइजिंग, ये सारे क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। एंटी अलाइजिंग फिल्टर्स में इसमें हम लगा देंगे यहाँ से एरिया। एरिया जो फिल्टर है वो सबसे बेस्ट होता है इंटीरियर एक्सटीरियर के लिए, ज़्यादातर हम लोग इसी पे लगा के ही रेंडर करते हैं। फिर ग्लोबल इल्यूमिनेशन में जाएंगे गाइस, और यहाँ पे प्राइमरी रेज में इरेडियंस में आप, सेकेंडरी रेज में लाइट कैसे। लेकिन अगर आपको बहुत ही हाई रेंडर चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ पे लगाएंगे ब्रूटे फोर्स, और इसमें सेकंड में लाइट कैसे। ब्रूटे फोर्स में क्या होगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लेगा। तो सबसे बेस्ट हम लोग जो रेंडर करते हैं वो इरेडियंस मैप पे करते हैं। तो इरेडियंस मैप आपको लगाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब डिवीज़न 60 है, जितना ज़्यादा सब डिवीज़न बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। 90 कर दिया हमने, और यहाँ से लाइट कैसे का सब डिवीज़न 1000 है, इसको हमने 2000 कर दिया, 3000 कर देंगे, 4000 कर देंगे, ठीक है? तो जितना ज़्यादा मैक्सिमम करेंगे उतनी क्लैरिटी आपके रेंडर में आती चली जाएगी। तो गाइज ये देखिए, हमने रेंडर सेटअप कर लिया फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड, हम मटेरियल हमने पढ़ा ही रखा है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में आपको मटेरियल लगाना है तो पर्टिकुलर आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर मटेरियल में जाएंगे, यहाँ से ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे गाइज देख सकते हैं आपकी मटेरियल की लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब जो भी मटेरियल आपको चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रिक मटेरियल चाहिए, ब्रिक यहाँ पे लगाना है, तो ब्रिक मटेरियल लिया। फिर राइट क्लिक करके ऐड टू सीन, ऐड टू सीन किया गाइस, और यहाँ पे वो मटेरियल ऐड हो गया। अगर ये नहीं चाहिए तो यहाँ से टेक्सचर स्लॉट से भी हम इसको पैरामीटर को, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। फिर लगाने के लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे सरफेस, राइट क्लिक करेंगे, अप्लाई टू सेलेक्शन। तो गाइज वहां पे आपकी क्या होगी, ब्रिक मटेरियल लग गई। सेम एज इट इज हम इस पे भी ब्रिक मटेरियल लगा देते हैं, राइट क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्शन। तो ऐसे करके क्या करेंगे, अपने मॉडल्स में हम
मटेरियल्स को डिफाइन करेंगे। अब गाइज यहाँ पे लाइट्स आपको बनानी है, तो यहाँ सपोज हमने लाइट्स के लिए क्रिएट किया और इसमें अभी हम कोई भी कलर यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं और इसको कॉपी करेंगे और मेक कंपोनेंट करेंगे और इसको हम क्या करेंगे कॉपी करा लेंगे जितनी जितनी लाइट्स आपको यूज करनी है। अब इसमें जो मटेरियल लाइट्स होगी वो आपकी कौन सी होगी, इमिसिव मटेरियल यूज करते हैं गाइस। तो इसके लिए वापस हम एसेट एडिटर पे गए और इमिसिव में गए। इमिसिव में जाने के बाद आपने सेलेक्ट किया सरफेस को और यहां से ऐड टू सीन कर दिया। फिर यहां से इसका कलर एकदम प्रॉपर हमने व्हाइट कर दिया और यहां से इंटेंसिटी हमने 100 कर दी और इसको अप्लाई टू सेलेक्शन। अब मेक कंपोनेंट करने से फायदा क्या था कि एक बार में सारी चीजें आपकी सेलेक्ट हो जाती है। ऐसे ग्लास है तो ग्लास का मटेरियल आपके पास दे रखा है वीरे में, तो मतलब हर चीज का यहाँ पे मटेरियल आपको यहाँ पे डिफाइन है। आपको करना क्या है, ग्लास पे गए, ग्लास पे किस तरह के ग्लास चाहिए पूरा यहाँ पे लिस्ट आ रही है, नेचुरल ग्लास चाहिए, टेम्पर्ड ग्लास चाहिए, है ना। तो जो भी ग्लास चाहिए ऐड टू सीन विंडो वाला ग्लास लेके अप्लाई टू सेलेक्शन। अब यहाँ इसमें लगा लिया, फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, यहां से मैच भी करा सकते हैं। ये देखिए गाइस, तो इस तरह से आप क्या करेंगे मटेरियल का सेक्शन यूज करेंगे। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्सटीरियर के डे लाइटिंग। तो डे लाइटिंग के लिए गाइस आपको करना क्या है, वीरे में जाना है और वीरे लाइट्स में जाना है और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है डोम लाइट। डोम लाइट को हम क्या करेंगे, लेंगे और कहीं पे भी प्लेस कर देंगे। तो डोम लाइट प्लेस करा हमने, अब हम यहाँ पे देखिए रेंडर क्लिक और साथ में लाइट्स की सेटिंग में जाएंगे, आप सनलाइट ऑन कर देंगे क्योंकि डे लाइटिंग में सनलाइट आपकी ऑन रहनी है। और रेंडर करके देखिए यहाँ पे, ये देखिए आपका रेंडर प्रॉपर आ रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ अभी बैकग्राउंड और स्काई कुछ भी नहीं सेट है, तो अभी इसका एक काम करते हैं, इसके जो कंपोनेंट्स हैं इसको हम रिमूव कर देते हैं, इसको हम यहाँ पे अलग से लगा लेंगे बैकग्राउंड, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, एक HDRI मैप होता है, तो गूगल में गाइज आपको जाना है, यहाँ पे डाउनलोड करना है HDRI मैप। तो HDRI हेवन, ये अलग अलग वेबसाइट्स आती हैं। जैसा भी आपको बैकग्राउंड देना है गाइज, आपको वहां से वो बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमें ये बैकग्राउंड चाहिए, हमने क्लिक किया, 8K 10K 16K तक यहाँ पे आपके पास दे रखा है और इसको डाउनलोड कर लिया। तो गाइज देख सकते हैं ये आपका जो फाइल है HDRI मैप, वो अब डाउनलोड हो रही है। जब ये मैप डाउनलोड हो जाएगा, अब उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां से वापस जाएंगे एसेट एडिटर पे और यहां पे जाएंगे लाइट्स पे, सेलेक्ट करेंगे डोम लाइट और यहां से ऑप्शंस में जाके इनविजिबल टिक कर लेंगे और यहां पे इस पे टेक्सचर स्लॉट पे क्लिक करेंगे, फिर यहां से ब्राउज करेंगे और जो डाउनलोड किया है हमने उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर वापस बैक आएंगे यहां से और इसको कर देंगे मल्टीप्लायर बढ़ा देंगे 10 हमने कर दिया, ठीक है। अब इसको हम रेंडर करके देखते हैं, तो देखिए पीछे एकदम रियलिस्टिक आपका जो बैकग्राउंड है वो आ रहा है। अब यहाँ पे कुछ सन सेटिंग्स प्रोवाइड करनी है आपको, तो सन सेटिंग्स में जाइए, अभी हम सन ऑफ कर देते हैं तो देखिए कैसा इफेक्ट आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अभी इंटेंसिटी काफी कम हो रही है ना, इसके साथ साथ आप क्या करते हैं सन सेटिंग कर दीजिए, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं रेक्टेंगुलर लाइट से भी लाइट्स क्रिएट करेंगे। ऐसा थोड़ा सा यहाँ पे अभी देख सकते हैं फिल्टर थोड़ा सा येलोइश आ रहा होगा, अभी रेंडर करा हमने और इसको थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं यहां से। अब यहां पे जैसे कि हमने लाइट बढ़ा दी, ठीक है, अब यहां पे देखिए फिल्टर में डायरेक्ट कर दिया और यहां पे ओवरराइड अलग अलग, देखिए यहां पे ओवरराइड पे कितना सही आ रहा है, एकदम प्रॉपर है ना। फिर यहां पे स्काई का SCI क्लियर, क्योंकि स्काई तो इसमें मैंने HDRI से लगाई रखी है। डोम लाइट में इसको बढ़ाते हैं 15 किया तो पीछे इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई। तो ये क्या करेगा, प्रॉपर आपका अभी
रियल टाइम रेंडरिंग हमने यहाँ से सेट कर रखी है। और तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक्सटीरियर का व्यू सेट करके लाइटिंग क्रिएट करते हैं। अगर गाइज आपको नाइट लाइटिंग बनानी है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी रेंडर होने में क्या होगा, थोड़ा टाइम लेगा। नाइट लाइटिंग के लिए क्या करेंगे, आप जैसे कि आपने सनलाइट है इसकी मल्टीप्लायर कम कर दी थी, एक तरीका तो ये जैसे 0.1 कर दिया, ठीक है, ये 0.1 कर दिया, तो लाइटिंग तो कम हो जाएगी ये देखिए। लेकिन ये प्रॉपर आपको कम करना है, तो साथ में आप करेंगे क्या, आपको यहां से जो सनलाइट हमने ऑफ कर दिया अभी, और ये जो डोम का मल्टीप्लायर है इसको भी बंद कर दिया, क्योंकि हमें बहुत कम चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से वीरे लाइट में जाएंगे, लाइट्स में रेक्टेंगल लेंगे, और टॉप से फ्रंट से है ना, आपको यहां पे क्या करना है, रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है। और इसको हम क्या कर देंगे, ब्लू एक्सिस के अलॉन्ग ये मूव कर देंगे। और वापस हम सेटिंग्स में गए, रेक्टेंगल में गए, और यहां से रेक्टेंगल को इनविजिबल जरूर करेंगे। अब रेंडर करके यहां पे देखिए, इनविजिबल किया, और मल्टीप्लायर यहां से हम इसको बढ़ा लेंगे, इसको 2 करो, ये देखिए। अब देखिए एकदम थोड़ा सा डल आ रहा है, इसको फिर 1 करके और ये 0.5 कर दिया हमने, और जो रेक्टेंगल था इसको भी हमने थोड़ा सा कम कर दिया, 10 कर दिया अभी के। और ये रेंडर देखिए, तो गाइज ये देखिए आपका ये अभी रेंडर हो रहा है धीरे धीरे। अगर आप प्रॉपर लाइट वोट लगाएंगे तो वो आपकी हाईलाइट करेगी, साथ में रेक्टेंगल सपोर्टिव लाइट्स आईएस लाइट्स है ना, ये सारी चीजें आपको लगानी पड़ेगी। अगर यहाँ सन ऑन भी कर देते हैं, इसको हम डोम लाइट को 20 कर देते हैं, तो आपकी प्रॉपर एक्सटीरियर लाइटिंग क्रिएट हो जाएगी। अभी प्रॉपर मटेरियल और लाइटिंग टेक्सचरिंग सब कुछ लगाने के बाद हम क्या करेंगे, प्रॉपर रेंडर करके देखते हैं, फिर फोटोशॉप से फाइनल एडिटिंग हम इसमें करेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइट की सेटिंग्स कर सकते हैं। तो गाइज आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।